आखिर क्यों आपका शॉर्ट्स अपलोड करते हैं उसे क्वालिटी डाउन हो जाती है, क्या रीजन है और क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, सब बताऊंगा आज की वीडियो में। बस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर से देखना, हल्का सा भी स्किप किया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप जिस भी ऐप से रिकॉर्डिंग करते हो उस ऐप को ओपन कर लेना और इसके सेटिंग्स में आकर वीडियो सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आप जिस भी रिकॉर्डिंग ऐप से रिकॉर्डिंग करते हो उसमें किसी और नाम से भी हो सकता है, वीडियो क्वालिटी के नाम से भी हो सकता है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर चार ऑप्शन दिखेंगे, हाई, मीडियम, लो और कस्टम। तो हम क्वालिटी कस्टमाइज करेंगे इसलिए हमने कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। हम रेजोल्यूशन रखेंगे 1080p। आपका हाई डिवाइस है तो आप 2K क्वालिटी या फिर 4K क्वालिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप में ऑप्शन आएगा। और आपका लो डिवाइस है ज्यादा तो आप रखना 720p रखना और FPS को हाई करूंगा और नीचे वाले को 12 कर दूंगा, या फिर आप 12 से कम भी रख सकते हो। आपका यहाँ पर लो डिवाइस है, स्टोरेज आपके फोन में कम है तो इसे आपको कम रखना है, स्टोरेज ज्यादा है तो आप इसको हाई रख सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते टाइम ये MB ज्यादा लेगा यानी कि स्टोरेज ज्यादा घेरेगा। तो हाई डिवाइस है तो इसे हाई रखना और लो डिवाइस है तो थोड़ा लो रखना, ठीक है। और फिर आप रिकॉर्डिंग करके अपनी जो भी वीडियो रिकॉर्ड किया उसे रिकॉर्ड कर लेना। और फिर इसके बाद आप बहुत बड़ी गलती करते हो, अपनी रिकॉर्डिंग वाली वीडियो को एडिट करने के लिए आप कैपकट में ऐड कर लेते हो और फिर एडिट करने के बाद जब इसे सेव करने की बात आती है तो जितनी भी सेटिंग्स होते हैं उनको आप हाई कर देते हो। जो हमने रिकॉर्डिंग वाले ऐप में क्वालिटी कस्टमाइज की थी ना, वही सेटिंग आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। मैंने रेजोल्यूशन को 1080p रखा था, फ्रेम रेट को 60 और इसको कर देना हाई। आपने 720 रखा तो आपको 720 रखना, और यहाँ पर आपने 4K क्वालिटी करी थी तो यहाँ पर भी आपको 4K ही सिलेक्ट करना है। और FPS जो वहाँ पर रखा था वो वही FPS भी यहाँ पर भी आपको रखना है, वरना आपने तो वहाँ पे 720 रखा था और यहाँ पर आप 4K क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। और एक और आपको सेटिंग्स को ऑन रखना है। बट उससे पहले गाइस, एडिटिंग और गेम तो काफी हो गया, लेकिन आप अपनी गेमिंग स्किल को रियल कैश में चेंज करना चाहते हो तो खेलो स्टार पर आपको 25 प्लस स्पोर्ट्स, 3000 प्लस फैन गेम्स को खेल के आप यहाँ पर इजीली विनिंग कर सकते हो। तुम लोगों को पता ही होगा T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है और इस बार इंडिया को मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ खेलो स्टार पर, जो इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड गेमिंग साइट है। और यहाँ पर आप वर्ल्ड कप के सारे गेम को फ्री में लाइव एंजॉय कर सकते हो, साथ ही गेम के आउटकम को प्रिडिक्ट करके अप टू 1 करोड़ की विनिंग भी कर सकते हो। यहाँ विनिंग के चांस मार्केट में सबसे ज्यादा है। साथ ही क्रिकेट की आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप डेली कि यहाँ पर लाखों रुपए जीत सकते हो, और आपके 10 रुपए कब 10,000 में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस पैसे को ओनली 60 सेकंड में आप अपने अकाउंट में इजीली विड्रॉल कर सकते हो, और आपको साइन अप करते ही अप टू 1 लाख का बोनस तो मिलेगा ही, साथ ही रिलोड बोनस, हैप्पी आवर कैशबैक और ब्रांड न्यू एप्पल फोन जैसे काफी सारे रिवॉर्ड्स हैं। तो अगर आपको क्रिकेट की थोड़ी भी नॉलेज है या अपनी गेमिंग स्किल्स को आप रियल कैश में चेंज करना चाहते हो तो अभी रजिस्टर करो खेलो स्टार पर, लिंक कमेंट में पिन मिल जाएगा। आपको YouTube को ऑन कर लेना, नीचे लोगो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ऊपर सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके वीडियो क्वालिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपका ऑटो सिलेक्ट होगा तो ऑटो को हटा के यहाँ पर हाई पिक्चर क्वालिटी वाला सिलेक्ट कर लेना और नीचे भी हाई पिक्चर वाला क्वालिटी सिलेक्ट कर लेना और आपका यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाएगा। बट आप एक और मिस्टेक करते हो, आप क्या करते हो, एडिट आप दूसरे फोन में करते हो और अपलोड आप दूसरे फोन से करते हो। तो आपका क्वेश्चन होगा इसमें गलत क्या है, आप वीडियो को एडिट करके व्हाट्सएप के थ्रू अपने दूसरे फोन में भेजते हो लेकिन तब देखते हो तो क्वालिटी एकदम अच्छी दिखेगी आपको, लेकिन जब जैसी वीडियो को अपलोड करोगे तो क्वालिटी काफी ज्यादा गिर जाएगी। इसका सॉल्यूशन क्या है, आप जैसी अपनी वीडियो को भेजते हो ना तो डायरेक्ट मत भेजा करो, डॉक्यूमेंट बनाकर फिर भेजा करो, तब आपकी बिल्कुल क्वालिटी नहीं घटेगी, आप बिंदास अपलोड करो। और आपको अपनी वीडियो की क्वालिटी कुछ इस टाइप से करनी है तो इस वीडियो को जाकर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाय।